In this video, we are going to derive the relation between drift velocity and current. Drift velocity और current के बीच में relation को derive करने के लिए, we'll take a cylindrical wire which is connected with the battery. External electric field E vector is applied with the help of battery. An electron will drift in the opposite direction of external electric field. We have to derive the relation between current and drift velocity. So first we'll find current. Current formula is charge upon time. तो सबसे पहले हम चार्ज फाइंड करेंगे, देन हम टाइम फाइंड करेंगे, फिर हम करंट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे चार्ज और टाइम की। अब चार्ज कितना है, Q इक्वल्स टू एनी ए इंटू एल, वेर ए इंटू एल इज टोटल वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल्स टू एनी ए इंटू एल। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, एनी ए इंटू एल, वेर ए इंटू एल इज वॉल्यूम। और टाइम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ अपॉन वी डी। यहाँ पे हम Q की जगह क्या रख देंगे, एनी ए इंटू एल, और टाइम की जगह रख देंगे L अपॉन वी डी। सिंपल सा डेरिवेशन है, चार्ज निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, I का फॉर्मूला लगाएंगे, Q अपॉन टी, चार्ज कितना है एनी ए इंटू एल, टाइम कितना है L अपॉन वी डी। ठीक है, Q की वैल्यू रख देंगे एनी ए इंटू एल, टाइम की वैल्यू रख देंगे L अपॉन वी डी। यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, तो करंट का रिलेशन क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू वी ना। तो ये एक सिंपल डेरिवेशन था जिसमें करंट निकालना था, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम था, चार्ज की जगह एनी ए इंटू एल रखना था और टाइम की जगह एल अपॉन वी डी रखना था, करंट का फॉर्मूला आ जाएगा वीना। अब यहाँ से हम करंट डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, करंट डेंसिटी जे का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन ए। तो जे का फॉर्मूला आई अपॉन ए होता है, तो वहाँ पे आई की जगह हम क्या रख देंगे, वी डी ई एन ए। आई का फॉर्मूला रखने के बाद वी डी एन ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी कितना आ जाएगा, वी डी ई एन। तो करंट डेंसिटी फाइंड करने के लिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए, आई का फॉर्मूला रखेंगे वी डी ई एन ए जो अभी हमने डिराइव किया था। यहाँ पे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा J इक्वल्स टू वी डी ई एन।